रैपिड एक्शन फोर्स का दल बुधवार को खरगोन शहर पहुंचा। यहां फोर्स के जवानों अधिकारियों ने पुलिस के साथ शहर की भौगोलिक स्थिति व मुख्य एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि फोर्स 7 दिन तक जिले में तैनात रहेगा। ये शहर सहित ब्लॉकों, गांवों, कस्बों में पहुंचकर अति संवेदनशील इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर क्षेत्र की गतिविधियों का जायजा लेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने शहर के संवेदनशील सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस स्थान इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र कार्यवाही की जा सके। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। एक कंपनी खरगोन जिले में अभी रिपोर्ट की है, ये आज 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक खरगोन जिले में रहेगी। रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी इन 7 दिनों में शहर के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं और संवेदनशील थाने हैं उनमें रह के ये अपनी मॉक एक्सरसाइज करेंगे। जो भी इस प्रकार की इनकी ऑपरेशनल एरियाज हैं उनको विजिट करेंगे। ये पूरी 7 दिन की एक्सरसाइज इस उद्देश्य से की जा रही है कि पूरी क्षेत्र की इनको जानकारी हो जाए, यानी टोपोग्राफी की जानकारी हो जाए, जिससे जब कभी ये मूवमेंट के लिए, ऑपरेशनल मूवमेंट के लिए आए तो इस पूरे क्षेत्र से और यहाँ की संवेदनशीलता से वाकिफ रहें, जिससे कि इनको ऑपरेशन लॉन्च करना आसानी हो। तो ये स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 दिन तक एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ की संवेदनशीलता को समझेंगे, यहाँ के क्षेत्र को समझेंगे और ये पूरी जानकारी के आधार पर इसका एक ऑपरेशनल प्लान अपना तैयार करेंगे, जिससे भविष्य में यदि कभी आवश्यकता पड़ी और RAF का डिप्लॉयमेंट हुआ तो ऑपरेशनली वो पूरी जानकारी में रहेगा, प्लान उनकी पूरी समझ में रहेगा। इस उद्देश्य इनकी एक्सरसाइज आज से प्रारंभ हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।